आप सभी से अनुरोध है कि रामायण के प्रमुख पात्रों की जानकारी अपने बच्चों को अवश्य दें, क्योंकि आज के समय में रामायण को पढ़ना पुराने समय की बात हो गई है, इसलिए बच्चे रामायण की बातें भूलते जा रहे हैं। ये जानकारी हमने मात्र इसलिए साझा की है जिससे आप रामायण को आसानी से और अच्छे से समझ सकें। दशरथ, रघुवंशी राजा इंद्र के मित्र, कौशल प्रदेश के राजा तथा राजधानी एवं निवास अयोध्या। कौशल्या, दशरथ की बड़ी रानी, श्री राम की माता। सुमित्रा, दशरथ की मंझली रानी, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न की माता। केकई, दशरथ की छोटी रानी, भरत की माता। सीता, जनक पुत्री, श्री राम की पत्नी। उर्मिला, जनक पुत्री, लक्ष्मण की पत्नी। मांडवी, जनक के भाई कुशध्वज की पुत्री, शत्रुघ्न की पत्नी। श्री राम, दशरथ तथा कौशल्या के पुत्र, माता सीता के पति। लक्ष्मण, दशरथ तथा सुमित्रा के पुत्र, उर्मिला के पति। भरत, दशरथ तथा केकई के पुत्र, मांडवी के पति। शत्रुघ्न, दशरथ तथा सुमित्रा के पुत्र, श्रुतकीर्ति के पति, मथुरा के राजा लवणासुर के संहारक। शांता, दशरथ की पुत्री, श्री राम की बहन। बाली, किष्किंधा का राजा, रावण का मित्र तथा साड़ू, 60,000 हाथियों का बल। सुग्रीव, बाली का छोटा भाई। तारा, बाली की पत्नी, अंगद की माता, पंच कन्याओं में स्थान। रूमा, सुग्रीव की पत्नी, अंगद, बाली तथा तारा के पुत्र। रावण, ऋषि पुलत्स्य का पौत्र, विश्रवा तथा कैकसी का पुत्र। कुंभकर्ण, रावण तथा कुंभीनसी का भाई, विश्रवा तथा कैकसी का पुत्र। कुंभीनसी, रावण तथा कुंभकर्ण की बहन, विश्रवा तथा कैकसी की पुत्री। विश्रवा, ऋषि पुलत्स्य के पुत्र, कैकसी, राका और मालिनी के पति। विभीषण, विश्रवा तथा राका के पुत्र, श्री राम के भक्त। कैकसी, विश्रवा की पत्नी, रावण, कुंभकर्ण तथा कुंभीनसी की माता। राका, विश्रवा की पत्नी, विभीषण की माता। मालिनी, विश्रवा की तीसरी पत्नी, खरदूषण, त्रिसिरा तथा सुपर्णरेखा की माता। त्रिसिरा, विश्रवा तथा मालिनी का पुत्र, खरदूषण का भाई एवं सेनापति। सुपर्णरेखा, विश्रवा तथा मालिनी की पुत्री, खरदूषण एवं त्रिसिरा की बहन। विंध्या क्षेत्र में निवास। मंदोदरी, रावण की पत्नी, तारा की बहन, पंच कन्याओं में स्थान। मेघनाथ, रावण का पुत्र इंद्रजीत, लक्ष्मण द्वारा वध। दधीमुख, सुग्रीव के मामा। ताड़का, राक्षसी, मिथिला के वनों में निवास, श्री राम द्वारा वध। मारीची, ताड़का का पुत्र, श्री राम द्वारा वध स्वर्ण मृग के रूप में। सुबाहु, मारीची के साथी राक्षस, श्री राम द्वारा वध। सुरसा, सर्पों की माता। त्रिजटा, अशोक वाटिका निवासिनी राक्षसी, श्री राम भक्त, माता सीता से अनुराग। प्रहस्त, रावण का सेनापति, श्री राम रावण युद्ध में मृत्यु। विराद, दंडक वन में निवास, श्री राम लक्ष्मण द्वारा मिलकर वध। शंभासुर, राक्षस इंद्र द्वारा वध, इसी से युद्ध करते समय केकई ने दशरथ को बचाया था तथा दशरथ ने वरदान देने को कहा। सिंहिका, लंका के निकट रहने वाली राक्षसी, छाया को पकड़कर खाती थी। कबंध, दंडक वन का दैत्य, इंद्र के प्रहार से इसका सर धड़ में घुस गया। बाहें बहुत लंबी थी, श्री राम लक्ष्मण को पकड़ा उन्होंने गड्ढा खोदकर उसी में गाड़ दिया। जामवंत, रीच सेना के सेनापति। नल, सुग्रीव की सेना का वानर वीर। नील, सुग्रीव का सेनापति, जिसके स्पर्श से पत्थर पानी पर तैरते थे, सेतु बंध की रचना की थी। नल और नील, सुग्रीव सेना में इंजीनियर व राम सेतु निर्माण में महान योगदान। विश्व के प्रथम इंटरनेशनल हाईवे राम सेतु के आर्किटेक्ट इंजीनियर। शबरी, राम भक्त, मतंग ऋषि के आश्रम में श्री राम लक्ष्मण सीता का अतिथि सत्कार। संपाति, जटायु का बड़ा भाई, वानरों को माता सीता का पता बताया। जटायु, राम भक्त पक्षी, रावण द्वारा वध, श्री राम द्वारा अंतिम संस्कार। ग्रह, श्रृंगवेरपुर के निषादों का राजा, श्री राम का स्वागत किया था। हनुमान, पवन के पुत्र, श्री राम भक्त, सुग्रीव के मित्र। सुषेण वैद्य, सुग्रीव के ससुर। केवट, नाविका, श्री राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार कराई। शुक्र सारण, रावण के मंत्री, जो बंदर बनकर श्री राम की सेना का भेद जानने गए। अगस्त्य, पहले आर्य ऋषि, जिन्होंने विंध्याचल पर्वत पार किया तथा दक्षिण भारत गए। गौतम, तपस्वी ऋषि, अहिल्या के पति, आश्रम मिथिला के निकट। अहिल्या, गौतम ऋषि की पत्नी, इंद्र द्वारा छलित तथा पति द्वारा शापित, श्री राम ने शाप मुक्त किया। पंच कन्याओं में स्थान।
ऋणशृंग, ऋषि जिन्होंने दशरथ से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। सुतिषण, अगस्त्य ऋषि के शिष्य, एक ऋषि। मतंग, ऋषि पांपासुर के निकट आश्रम, यही शबरी भी रहती थी। वशिष्ठ, अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं के गुरु। विश्वामित्र, राजा गाधी के पुत्र, श्री राम लक्ष्मण को धनुर्विद्या सिखाई थी। शरभंग, एक ऋषि, चित्रकूट के पास आश्रम। सिद्धाश्रम, विश्वामित्र के आश्रम का नाम। भारद्वाज, वाल्मीकि के शिष्य, तमसा नदी पर क्रौंच पक्षी के वध के समय वाल्मीकि के साथ थे। मान निषाद वाला श्लोक कंठाग्र कर तुरंत वाल्मीकि को सुनाया था। सतानंद, श्री राम के स्वागत को जनक के साथ जाने वाले ऋषि। युद्धाजीत, भरत के मामा। जनक, मिथिला के राजा। सुमंत्र, दशरथ के 8 मंत्रियों में से प्रधान। देवराज, जनक के पूर्वज, जिनके पास परशुराम ने भगवान शंकर का धनुष पिनाक रख दिया था। अयोध्या, राजा दशरथ के कौशल प्रदेश की राजधानी। 12 योजन लंबी तथा 3 योजन चौड़ी। नगर के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें और खाई थी। राजमहल से 8 सड़क के बराबर दूरी पर परकोटे तक जाती थी। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।